हाय दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ प्लांट इन्वेंट चैनल पे। दोस्तों, आप देखें मेरे सामने एक पॉली बैग रखा है, तो आज मैं इसमें लीची ग्रो करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बैग है, तो आप जो भी नए प्लांट लाए नर्सरी से उसका बैग आप संभाल के रखें, वो इसी काम आता है। आप देख सकते हैं ये सीड्स हैं लीची के, जो हम लीची खाते हैं ये वही सीड्स हैं। तो हल्के से स्प्राउट हुए हैं, तो आपको इसमें पानी में डुबा के रखना है 10 घंटे तक, तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, जल्दी होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये देर से ग्रो होंगे, कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। तो मैं इसको अब लगाता हूँ इसमें। तो पहले मैं आपको सॉइल दिखाऊँ, इसमें मैंने 50% सैंड और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए, तो अच्छे से वेल ड्रेन बन जाता है। तो पहले मैं इसको पहले यहाँ पर लगाऊँ, आपको इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, आपको ही ध्यान रखना है। और इसको भी मैं इस साइड लगाऊँगा, दूरी बना के रखनी है ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए, इसकी रूट्स अच्छे से फैल जाएँ। मैं इसमें वाटर डालता हूँ, आप देख सकते हैं इसको, इसमें आपको स्प्रे से वाटर डालना है। तो आप देख सकते हैं इसकी सॉइल कैसी वेल ड्रेन है, ये देखिए दोस्तों पानी इसमें कैसे जा रहा है, जल्दी से ड्रेन हो रहा है। तो आपको ये सॉइल लेनी है, और ये सॉइल बॉन्साई में भी काम आती है, बॉन्साई में वेल ड्रेन सॉइल भी चाहिए होती है। अब इसमें पानी डालने के बाद इसको मैं सेमी शेड में रखूँगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा शेड में ना हो, अगर ज़्यादा शेड में जाएगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये 20 दिन में ग्रो जाएगा। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने इसको इसके सीड्स लगाए थे, ये देखिए दोस्तों, ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। इसको ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि मैंने ये जो सीड्स हैं ये पानी में नहीं डाले थे, मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट लगा दिया था, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा था। आप देख सकते हैं अच्छे से ग्रो हो गया। जब लीची ग्रो होती है उसके लीफ का कलर हो पिंक होता है, तो ये बाद में ग्रीन हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों एक पॉट है, मैंने इसमें सीडलिंग लगा दी थी, तो मैंने इसमें लीची के भी सीड्स डाल लिए थे। आप देख सकते हैं ये जो लंबी सी स्टैम्प है ये भी लीची है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब आप अपनी सीडलिंग को सनलाइट में नहीं रखते, तो ये हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सा भी सीड लगाएं किसी भी प्लांट का, तो उसको आप सनलाइट दिए अच्छी सी, तो जल्दी ग्रो होगा। आप इसके बराबर में देख सकते हैं, ये देखिए छोटा सा, तो इसने अपनी ग्रोथ अच्छी कर ली क्योंकि इसको सनलाइट मिली थी और इसको नहीं मिली थी। तो आप देख सकते हैं इसके लीव कितनी जल्दी आ गए और उसके कितनी देर में आए, तो ये फ़र्क होता है दोस्तों। तो आपको अपनी सीडलिंग को सेमी शेड में रखना है, पूरा शेड में नहीं रखना, उसमें धूप भी पड़नी चाहिए, तो मैं इसको सेमी शेड में रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।